बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने अनुपूरक बजट को बताया छलावा। वित्तीय वर्ष 2023-2024 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें कुल 11,988 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस अनुपूरक बजट को भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने छलावा करार दिया है। सहयोगी सौरभ राय ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही जी मौजूद हैं। भैया, आज किस प्रकार से अनुरूप बजट लाया गया झारखंड सरकार के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? औचित्य हीन जो है अनुपूरक बजट लाया गया है। पुरानी जो बजट आपने पास करवाया है इस सदन से, अभी तक उसका कितना प्रतिशत खर्च हुआ है आप राज्य के जनता को यह बताने का काम करें, कितना खर्च किया, क्या अचीवमेंट है आपका, तो वहाँ तो शून्य है। ये झारखंड प्रदेश आज क्राइम का प्रदेश बन गया। क्राइम कंट्रोल के नाम पर भी जो बजट आपने लिया है, उसमें कितना फीसदी आपने खर्च किया है? सुभाष मुंडा जैसे लोगों की हत्या हो जा रही है, हमारी बहनों को 50-50, 60-60 टुकड़े में काट दिया जा रहा है, और जो आज गृह विभाग का बजट है वो पड़ा हुआ है। इसी से पता चलता है कि यह सरकार पूरी तरह से अक्षम है, और यह सरकार को अनुपूरक का एक भी पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार के मंत्री के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनहित के कार्यों में बाधा डालने का काम कर रही है। हम तो आंकड़े के साथ बोल रहे हैं ना, आप बताइए हमको कि जो गृह विभाग का बजट एलोकेशन हुआ है उसमें कितना खर्च आपने किया है? क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब केवल सरकार दे दे तो आप पत्रकार हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मणिपुर की घटना को लेकर लगातार इंडिया गुट के जितने भी नेता हैं वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और लगातार ये बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के लोगों के लिए संवेदनशील नहीं है। इनको झारखंड में रह करके रांची नहीं दिखाई दे रहा है, मणिपुर दिखाई दे रहा है। बगल में सुभाष मुंडा की हत्या हो जा रही है, बगल में साहेबगंज में पहाड़िया बेटी को 50-60 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं, बगल में दुमका में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया जा रहा है। आपका झारखंड मणिपुर से कहीं ज्यादा जल रहा है। हेमंत सोरेन जी, आप पहले अपने इस झारखंड मणिपुर को संभालने का काम कीजिए। जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से इनका कहना है कि झारखंड जो है वो मणिपुर से ज्यादा जलने का काम कर रही है। गिरफ्तार मीडिया समाचार सहयोगी राकेश के साथ।